राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे गंगा जमुना की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, गंगा जमुना दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थीं। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली, जमुना बहन, यह तो चोरी हो गई। तूने बिना साहूकार के पूछे उसके खेत से जौ के दाने तोड़ लिए, इससे तुझे पाप लग गया है। जमुना बोली कि अब यह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस तक साहूकार के घर जाकर नौकरों की तरह काम करेगी तो यह पाप उतरेगा। जमुना अपनी बड़ी बहन की बात मानकर साहूकार के घर गई और बोली, मुझे नौकर रख लो। साहूकार ने कहा कि ठीक है, रह जा, हमें तो वैसे भी काम की ज़रूरत है, खेती क्यारी का काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन जमुना बोली कि मैं 4 काम छोड़कर तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। साहूकार ने कहा कि कौन से 4 काम नहीं करोगी। तो जमुना बोली, एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरा सेज नहीं बिछाऊंगी और चौथा दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसकी बात मान ली और उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना बहन जमुना ने भेजा है। तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बैया में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेगी। वे जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर ले ली और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकारनी घर आए और जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्र धारा होकर बहने लगी। साहूकारनी को जब यह पता लगा कि उनके घर में जमुना माता हमारे घर नौकरानी बनकर काम कर रही थी तो वे आंख मूंदे माथे में बल पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमसे कितना बड़ा पाप हो गया है। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकारनी को धीरज बंधा कर आई है या नहीं। जमुना बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि जा उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा, क्योंकि उधर तो साहूकारनी बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि हमने जमुना माता से कैसे नौकरों की तरह काम किया। वे बहुत अभी भी आश्चर्य में थे। जब जमुना उनके सपने में आई और साहूकारनी से बोली कि तुम उदास ना हो, वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा छोटा बड़ा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे को कोई पाप नहीं लगा है, मैं तो खुद अपना पाप उतारने आई थी। मैंने तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था, इसलिए तुम्हारे यहाँ 12 साल तक काम करने से मैंने अपना दोष उतारा है। तुम उठो, तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है, तुम्हारे घर में खूब धन धान्य लक्ष्मी आएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकारनी को दी वैसे सबको देना, हमें भी और कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबको खूब धन धान्य देना, सबके घर में खूब लक्ष्मी का वास हो। बोलो जमुना माता की जय।
दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।